राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते। मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज आज़र, चलो फॉर्म जाओ, देर हो रही है स्कूल के लिए, छोड़ो फिर, उठ जाओ जल्दी से। ये रहा आपका टॉवल, जल्दी से जाओ शावर लेकर आ जाओ। ये वाला नहीं, दूसरा। क्या बुराई है इसमें? बस ये वाला नहीं, दूसरा चाहिए मुझे। हाँ सर, कोई बुराई नहीं है। अच्छा रुको, लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप फौरन खड़े हो जाओ, देर हो रही है, उठो। ये वाला ठीक है? आपको फिर मेरे बर्थडे की लिस्ट नजर नहीं आई? टू स्मार्ट, आपने जो लिस्ट बनाई थी मैंने देख ली है। तो फिर ये सारे गिफ्ट मिल जाएंगे ना? नहीं, पहले आपकी लिस्ट क्रॉस चेक करूंगी फिर। मम्मा आज़र, बहुत देर हो रही है, अब खड़े हो जाओ, बहुत हो गया। अगर ना मानू तो? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बल्कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जानते हो क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही दुनिया की सबसे हसीन चीज मेरी नजरों के सामने है। नॉट बैड। चाय पी लो। नॉट बैड। चलो अब जल्दी उठ जाओ, मुझे आज़र को तैयार करने जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊँ, मैं पास बैठूँ थोड़ी देर। असलम, किसी लंबे टूर पर जा रहे हो? नहीं। आज ऑफिस से देर से आओगे? नहीं बाबा। कहीं आयशा ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट तो नहीं किया आज? शी इज जस्ट अ कुली। फिर सुबह ही सुबह मुझे इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है?
यार ऐसे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा। चलो खड़े हो जाओ, चाय पियो, देर हो रही है। चल पहले यहाँ दबाओ थोड़ा सा। अज़लान चलो खड़े हो, उठो। ओके। देर हो रही है। आज़र कहाँ है? चाय पी लेना। I told them ये शेयर्स नहीं जाएंगे ऊपर। स्कूल के बाद आपको ड्राइवर अंकल नाना की तरफ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? उन्हें तंग मत करना। लेकिन वो वहाँ क्यों जा रहे हैं? उनके घर में बहुत गर्मी होती है ना, उनके घर में एसी है। तो एसी के बगैर इंसान रहते हैं ना, आदत डालो एसी के बगैर रहने की। चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। अज़लान तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं कुछ समझा रही हूँ बीच में नहीं बोला करो। तुम समझा नहीं रही हो, डरा रही हो। चलो ड्राइवर अंकल आ गए, जल्दी करो, आ जाओ, देर हो रही है। किच्ची शाब। हेलो अज़लान, उसे बहुत देर हो रही है। हाँ तो जा रहा है। चलो जाओ। जा रहा है। बाय बाय। अज़लान तुम उसे बिगाड़ क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? उसे इतनी आसाइशों की आदत मत डालो। तुम पता है सकीना को क्या कहकर गया है वो? क्या कहा? कि उसके आने से पहले एसी ऑन कर दिया करे ताकि कमरा ठंडा हो जाए। स्मार्ट बॉय। तुमसे बात करना ना बिल्कुल फजूल है। नहीं नहीं मुझे बता, इसे कोई जिक्र नहीं किया? बर्थडे वगैरह भूल गया क्या अपनी? आज कभी भूल सकता है वो? सब याद है उसे, इतनी लंबी लिस्ट बना के गया गिफ्ट्स की। मगर प्लीज अज़लान, सब कुछ मत लेकर आना प्लीज। पर यार कभी कभी ना तुम बिल्कुल कोई अजीब सी बात कर देती हो। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम दोनों के लिए। तुम दोनों के अलावा इस पूरी दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। अज़लान सब कुछ मत लेकर आना। बहस करने का कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम उसे जीत नहीं सकते। सुनो क्या सब देख रहे हैं? हेलो नहीं यार, आज मूड कुछ खराब है। मुझे तो लगा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ बुला रही हैं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि इन फजूल कामों के लिए आप मुझे यहाँ बुला रही हैं, तो मैं कभी भी नहीं आती। आज़र और फरिया आज घर आ रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ बना रही। आज़र की आज बर्थडे भी है। आपको लगता है कि आपकी इस मामूली सी चाइनीज से आज़र खुश हो जाएगा? आज़र को चाइनीज बहुत पसंद है। उसूलन तो फरिया को हमें वहाँ बुलाना चाहिए था। अब ये तो मुमकिन नहीं कि इतने बड़े घर में उन्होंने सालगिरह की दावत ही ना रखी हो। हाँ ये अलग बात है कि आपके चहेते दामाद को अपने मिडिल क्लास ससुरालियों से मिलने में शर्म महसूस होती है। ऐसी बात नहीं है सायरा, अज़लान ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हर बात कही नहीं जाती अम्मी, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मुझे याद नहीं कि अज़लान या फ्रिया मेरे घर कब आए थे या उन्होंने हमें अपने घर कब बुलाया था। कितनी मर्तबा मैंने फ्रिया से कहा है कि अज़लान से कह के फर्रुख को कोई अच्छी जगह जॉब करवा दे, कि वो है कि हर बार डाल देती है। और एक हम अपना घर और अपने बच्चे छोड़कर उनके बच्चे की खातिर मिदारत कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सायरा, फरिया से तुम्हें इतने गिले शिकवे क्यों रहते हैं? बेटा तुम उसकी बड़ी बहन तो यही देखकर खुश होना चाहिए कि तुम्हारी छोटी बहन अपने घर में खुश है।
हेलो हाँ फरिया, तुम्हें याद है ना आज क्या करना है? मुझे याद है, मैंने सब कुछ कर भी लिया है। इवेंट प्लानर आ गया है, घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारी इनवाइट्स भी जा चुकी है। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बेटे की बर्थडे बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट होगी। मतलब तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? अब क्या भूल गई मैं? फरिया तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था आज 11 बजे। अजलान आज नहीं जा सकती, बहुत काम है घर पे, बाद में चली जाऊंगी। वैसे भी तबीयत बिल्कुल ठीक है मेरी। ठीक है, मैं तुम्हें आ रहा हूँ लेने के लिए। अजलान प्लीज, आज नहीं जा सकती ना, मैं चली जाऊंगी बाद में, प्रॉमिस। Then I'm coming back. अच्छा ठीक है ठीक है, चली जाऊंगी, तुम परेशान नहीं हो। गुड गर्ल। ओके बाय। हाँ ठीक है, बस मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो। ओके बाय। जादूगर हो तुम। क्यों, क्या किया मैंने? वही परफेक्ट प्रेडिक्शन, स्टार एंड को के सारे शेयर्स गिर गए। आई नो कैसे करते हो तुम ये सब? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, जिस कंपनी के शेयर्स लोग ब्लैक में भी नहीं खरीदते, आज वो रद्दी के मोल बिक रही है। हाउ डू यू डू दैट? सिर्फ दो चीजें, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन। राइट, देखो मार्केट में हर सेकंड पे नजर रखनी पड़ती है कि कौन सा शेयर कहाँ जा रहा है। जरा सी आपकी नजर हटी, बाजी को और ले गया। आई आई सर, बिल्कुल आप महान है। हाँ। अरे वो नए इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या हुआ? वही तो बताने आई थी कि वो मैंने आपको भेज दी, चेक कर। सुनो तुम्हारी हो ना शाम में? Obviously आ रही हूँ, आज़र ने तो मुझे ऑलरेडी अपना गिफ्ट भी बता दिया, वो लेने जा रही हूँ। See you. Bye. आज़र मियाँ का क्या करे? अरे आप बैठे क्यों हैं, जाते क्यों नहीं? वक्त निकला जा रहा है, किसी भी वक्त फरिया। अरे भाई चला जाता हूँ, अभी तो बहुत वक्त है उनके आने में। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, दोपहर के 2 बज चुके हैं, पहले ही मेरा मूड सायरा ने खराब किया हुआ, और अब आप भी। हैं? भला हमारी ये मजाल है कि हम आपका मूड खराब कर सकें? नहीं। वैसे ऐसा क्या कह दिया सायरा ने? उसे तो खुदा वास्ते का बैर है फरिया के साथ, सगी बहन के साथ हसद करती है। अच्छा ठीक है, उसकी बातों पर ध्यान न दिया करो। अरे बैठे क्यों हैं, जाते क्यों नहीं केक लेने के लिए? आपने ऑर्डर भी दिया था, या वो भी जाकर देंगे? भाई दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था, उसने 2:30 बजे का वक्त दिया था, इसीलिए तो इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा हूँ। कमाल करती है भाई, यानी गुस्सा किसी का है, उतारा हम पे जा रहा है। जा रहा हूँ। परी क्या हाल है तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने सारे शॉपिंग? हाँ। के? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या है? आपके बाबा के लिए शॉपिंग किया मैंने। बट इसकी क्या जरूरत थी? अरे ले लीजिए ना अम्मी, इतने प्यार से तो लेकर आई है, अगर मेरे लिए लेकर आते तो मैं तो कभी भी मना नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि मैं आपके लिए शॉपिंग ना करूं, बाकियों के लिए करूं? ये वाला मैं आपके लिए लेकर आई थी। रियली? थैंक यू सो मच, ये बैग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया था। बाबा कहाँ? बेटा वो अपने नवासे के लिए केक लेने गए, मैं साथ ही हूं। आपने चाइनीज बनाया ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, मेरी जान को जो पसंद है।
मैं रख कर आती हूँ, फिर ट्राई करते हैं चाइनीज। हाँ फरिया। हेलो। हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आइए आइए आइए, आ गई नाना की याद है? यार तुम तो बहुत ही बेवफा निकले हैं। अंकल आंटी घर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अपने मियाँ से कहना कि मैं उससे सख्त नाराज हूँ, समझी? सुन लिया तुमने, क्या तू ना कॉल कर लिया करो बाबा को। तुमने अगर अंकल आंटी की तरफ जाना था तो बताई देती मुझे। वो मुझे ले आते हैं, आज की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। तो रात को इनवाइट कर लो, मैंने कब मना किया। और तुम जो मुंह बना रहे थे वो। अरे चलो मैं फिजूल बहस में पढ़ना नहीं जा रहा, रात में मिलते हैं। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ क्या बात है नाना बू? ये क्या है? ये हमारा मोबाइल है बेटा। ये कैसा मोबाइल है? इसके अंदर कोई गेम नहीं है। ये देखिए मेरा मोबाइल, इसके अंदर तो गेम्स भी हैं। ओहो भाई ये तो बहुत अच्छा। डैड का था, मैं ले लिया। डैड क्या करेंगे बेचारे? उन्होंने ना ले लिया। खुश रहो। मैं केक काटूं? हाँ बेटा अभी के लिए तो है। काटो ना। लगी यार। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you.
I like what you have done to your house. It's very nice. Perfect family, perfect house. You're very lucky, mashallah. तुम भी इतनी लकी हो सकती हो. शादी कर लो. ढूंढो ना तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा. अजलान जैसा. ढूंढ लेती अगर अजलान को मैंने ढूंढा होता. अगर मैंने नहीं. अजलान ने मुझे ढूंढा. Enjoy yourself. हाँ. क्यों अकेली खड़ी हुई इस तरह? अरे मैं तो सिर्फ बच्चों को खेलता देखकर अपने आप को सुकून का एहसास दिला रही थी. कितने प्यारे लग रहे हैं ना. क्यों तकलीफ देती हो खुद को इस तरह? अरे फरिया, I'm fine. मैं तो बस वो I'm fine. रिदा, दुनिया में ऐसे कहीं बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है. तुम लोग कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं मानेगा. बहुत समझाने की कोशिश की. लुक एट हिम. मैं असलान से कहूंगी ऐसे से बात करें. वो बात करेंगे उससे. ओके. और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरह से वो लोग कैब पर आए. कैब में आने में क्या बुराई है? वो एक बुरी खबर है. हाँ बोलो. वो स्टार इनको मेरी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती और ये बात तुम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता. आई टोटली एग्री. भाई मैं अपने जाती बिजनेस से इतना नहीं कमाता जितना अजलान के साथ इन्वेस्टमेंट करके कमाता. दैट्स माय बॉय. सो आई मीन डील डन. इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है. लॉस तो नहीं होगा? आज तक हुआ है? तुमसे कोई नहीं जीत सकता. मेरी तरफ से भी डील डन है. हाँ भाई. हाँ नहीं 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 एक मिनट एक मिनट. इसकी तरफ देखने का कोई फायदा नहीं. ये इतनी बड़ी डील में हाथ नहीं डालेगा. हाँ भाई सही कह रहे. मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता. कौन सा रिस्क है यार? असर तुझे 100 दफा ये बात बता चुका हूँ. मैं इतना फरिया को नहीं जानता जितना मार्केट को समझता हूँ. अगर आप लोगों की बिजनेस मीटिंग खत्म हो गई हो तो डिनर लगा ले. हाँ आ रहे हैं बस. कुछ कह रहे हैं क्या? भाई चुप कर मरवाएगा तो. चल भाई. Come on. जाग रही हो अभी तक? कुछ
कुछ नहीं सर, मैं दर्द हो रहा है। तो कोई दवाई खा लो, चलो। तुम परेशान नहीं हो, सो जाओ, ठीक हो जाएगा। बहुत रात हो रही है। हाँ तुम भी सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना। सॉरी। You need to think about it. It's a very big deal. बहुत बड़ी investment है। कैसे करेंगे हम लोग? According to my observation, Star and Company की file तुमने भी पढ़ी है और मैंने। पिछले 8 साल की history में हर साल यही होता है। शेयर्स गिरते हैं, विद इन अ वीक शूट करते हैं, सबसे ऊपर चले जाते हैं। राइट। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन ये बताती है कि समहाउ इनके 75% शेयर उठाए जाएं, तो विद इन अ वीक 40% का प्रॉफिट मिल सकता है। 75%? मार्केट क्रैश भी हो सकती है, शेयर्स गिर भी सकते हैं। इसका हल यह है कि 25% मेरी कंपनी, 25% खाबर की और 25% समीर की कंपनी, इन तीनों कंपनीज को मर्ज करके ये शेयर्स खरीद लो और उन दोनों से भी कोऑर्डिनेट कर लो। एक मिनट, देखो अजान, आई थिंक थोड़ा सा हमजा, आई श्योर, फाइन। नहीं 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 नहीं, आज़र ये नहीं होगा। अब हार रहे हो तो गेम मत छोड़ो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मुझे खेलने में इस गेम से बोर हो गया हूँ। क्यों यार, अभी 2 दिन पहले तो ये गेम लिया है। अरे क्या, मुझे इस गेम के सारे स्टेजेस क्लियर करने हैं। अच्छा तो फिर अब? तो फिर क्या, मुझे नई गेम चाहिए। अब कोई नई गेम नहीं मिलेगी आपको, बर्थडे पे मिली थी ना, बस काफी है। लेकिन उसमें मेरी फेवरेट गेम नहीं थी ना। कौन सी फेवरेट? GTA और Call of Duty। GTA और Call of Duty? आज़र, आपको मना किया ना मैंने? मैं। अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, मैं सुबह पैसे दे दूंगा ड्राइवर को, स्कूल से वापसी पे गेम से ले लेना, नहीं सही है ना? Thank you dad, you are best dad. I know, tell me something, I don't know. आज़र की मामा गुस्से में लग रही है। मुझे भी यही लगता है। चलो सुबह स्कूल जाना है आपको, आ जाओ फौरन। अरे बाप रे, स्कूल टाइम। ओके भाई, किच्ची किच्ची किच्ची, सुनो सुनो सुनो, जल्दी करो। हां चलो जा जा जा, गुड नाइट गुड नाइट, रन रन। ओ हेलो, आ जाओ, देर हो रही है। अरे बाप, ओ तो भारी हो गया, स्कूल जाना। गुड नाइट गुड नाइट। हज़लान, तुम आज़र को बिगाड़ रहे हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी मत किया करो। मैंने क्या किया? और दूसरे बच्चों के पास वो देखता है चीजें, अगर उसके पास नहीं होंगी तो उसका दिल खराब होगा। ठीक है, अभी बच्चा है तो उसे गेम्स दिला देती हूँ। तुमने उसके दोस्त देखे किस तरह के? कल को बड़ा होकर अगर गन्स मांगेगा तो क्या तुम दिला दोगे उसे? फरिया, उसके फ्रेंड सर्कल में कोई गैंगस्टर नहीं है, सो सुकून करो, ओके? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि
क्या आज़र को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि जो कुछ दूसरे बच्चों के पास है वो उसके पास है। ठीक है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि कुछ भी आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उसे कुछ चाहिए तो ठीक है ले ले, लेकिन अपनी पॉकेट मनी से सेविंग कर कर। मतलब कहाँ से लाती हो तुम ये बातें? थर्ड ग्रेड में है मेरा बच्चा, ओके? और सेविंग्स मतलब, फरिया देखो गेम्स खेलता है, मस्तियां करता है, लेकिन व्हाट रियली मैटर्स, स्कूल में उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। सो सुकून करो तुम, ओके? जस्ट फॉरगेट इट अज़लान। क्या हो गया, क्यों इतना मूड खराब? अरे यार, अरे सिद्दीकी साहब, टेंडर हमारे नाम ही खुलेगा। मेरी बात हो गई एजाज साहब से, लाहौर में। जी जी बिल्कुल, जो रेट्स मैंने आपको बताया वो ही भर दें। एग्जैक्टली, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी बात हुई आपको अपनी बेटी से? जी, अभी दो तीन दिन पहले ही बात हुई है मेरी उससे। हाँ यकीनन फोन भी आप ही ने किया होगा। कमाल है, ऐसा लगता है उसी नजर में हमारा होना ना होना बराबर ही है। आप जानते तो हैं कि वो कितना मसरूफ रहती है। एक वही मसरूफ है, बाकी सब लोग बेकार हैं। और फिर बात बात पे तुम जो उसकी तरफदारी करती हो ना, यही वजह से वो बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है फोन उसने किया हो या मैंने, खैरियत मालूम करना अहम है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इंसान को रिश्ते की अहमियत खुद जताना पड़ती है, वरना वक्त के साथ साथ या तो इंसान मर जाता है या फिर रिश्ते। मैं भी बिला वजह बात करके अपना वक्त जाया करता हूँ। करना तो तुम माँ बेटी ने वही है जो तुम्हारी मर्जी में होता है। यार अज़लान, मेरा ख्याल है कि इस बार ये फैमिली ट्रिक का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अपनी बीवियों के अकाउंट्स में बहुत सारा पैसे डलवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपनी वेकेशन एंजॉय करें। तुम, मैं और समीर अलग से निकलते हैं यार। मुझे और समीर को तो फिर भी इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन जो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि भाभी तुम्हें इजाज़त देंगी कहीं अकेले जाने की। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं उसे शॉपिंग के लिए इतना पैसा दूंगा कि उसे मेरी याद ही नहीं आएगी। बाय द वे, मेरी मुलाकात हुई थी रेहान से क्लब में, बड़ा नाराज था, कह रहा था कि अज़लान ने दोबारा मुझे कॉल ही नहीं किया। उसके साथ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। देख सच्ची बात है खावर, जो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता मैं उसके साथ बिजनेस कैसे करूँगा यार। अब तुझे हर कोई मेरे जैसा तो नहीं मिलेगा ना। ट्रू, वेरी ट्रू। बेवकूफ होती हैं वो औरतें जो मर्दों पर भरोसा करती हैं। मिसेस खावर, ऐसी कोई बात नहीं है, अज़लान उसे यूनिवर्सिटी से जानता है। मत मानो, मैंने जो फील किया वो बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतनी फिक्र की। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वैसे तुम बातों बातों में अज़लान से पूछ लेना। अज़लान पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। अच्छा हाँ, अज़लान से बात की नहीं मेरे प्लान के बारे में? फिलहाल तो मैंने कोई बात नहीं की इस बारे में। कब करोगी? अभी से बुकिंग करवानी पड़ेगी होटल्स में, वरना रूम्स नहीं मिलेंगे। मिसेस खावर, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे इस बार। क्यों, खैरियत? अज़लान का बिजनेस तो ठीक जा रहा है ना? जी जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन इस बार हम अपने अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके घर जाके रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तुम शॉपिंग वगैरह भी तो नहीं करती ना? जी। फरिया सोच लो। तो ठीक है फिर, बाकी बात कल ऑफिस में कर ले। हाँ सही है।
बेटा वो तुम्हारी आंटी के कहने पर मैंने दोपहर के खाने तक तो तुम्हारा इंतजार किया, उसके बाद मैंने इनसे कहा कि चलो हम खुद ही चले चलते हैं, तो बस आ गए। अच्छा किया आपने, लेकिन अगर आ रहे थे तो बता देते, मैं ड्राइवर भेज देता। अरे बेटा, ड्राइवर यहाँ से जाता, गाड़ी वहां जाती, फिर हमें लेके आती, बहुत पेट्रोल खर्च हो जाता। नाना अबू, आप एक गाड़ी ले लेना। डैड, नाना अबू को एक गाड़ी ले देना। आज़र, खाना फिनिश करो जल्दी। बेटा अभी इस उम्र में तुम्हारे नाना अबू से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। जब तुम गाड़ी खरीदोगे ना तो उसमें हम बैठेंगे और खूब घूमेंगे, खूब घूमेंगे, ठीक है? डैड, एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। कुछ लेना नहीं के लिए, कबाब मैंने खुद बनाया। बाबा अजलान, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। मुझे नींद आ रही थी उस वक्त। अगर तुम्हें नींद आ रही थी, अब तक सोए क्यों नहीं तुम? या फिर साफ साफ कहो कि तुम उनसे मिलना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है यार, दे आर लाइक माई पेरेंट्स, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरह से वो लोग कैब पर आए। कैब में आने में क्या बुराई है? बुराई है क्योंकि मेरे साथ खावर था उस वक्त। क्या सोच रहा होगा वो? खावर क्या सोचेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अजलान इससे, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है उसके नहीं। और अपने माँ बाप को 10 लोगों के सामने और करने से भी शर्म नहीं आती अजलान? मुझे फर्क पड़ता है, मेरा सर्कल है वो, मेरा उठना बैठना है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा या मेरे इन-लॉज का मजाक उड़ाए, सो प्लीज। सकीना जी, अजलान कहाँ है? साहब तो ऑफिस चले गए। नाश्ता किया था उन्होंने? नहीं, आपको उठने में देर हो गई थी और साहब आपके हाथ के अलावा नाश्ता करते नहीं। मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए आंख नहीं खुली मेरी। अच्छा प्लीज मुझे एक कप चाय बना दो। जी अच्छा। अजलान, वो एक बुरी खबर है। हाँ बोलो। वो स्टार इनको बैंकरप्ट हो गई है। जिंदगी में पहली बार उसके सामने नजरें चुराई। अस्लान, मैं तुम्हें कितना समझाती थी फजूल खर्ची मत किया करो। मुझे मेरे पैसे 2 दिन के अंदर अंदर वापस चाहिए। तुमने आज तक जितना पैसा कमाया है और मेरे बिजनेस में लगाया है वो मैंने ही कमा के दिया था तुम्हें। अली काका, हम लोग तीसरे दिन जा सकते कि आपके पास पैसे नहीं है। खुद को मत बिखेरो इतना, ये सब कुछ तुम्हारा अपना बनाया, इसको बर्बाद मत करो। जो कुछ इतने सालों में मैंने डेवलप किया, अपना बिजनेस, पैसा, सब खत्म। कुछ रहे या ना रहे, हमारे पास तुम्हारा होना ज्यादा जरूरी है। सान, हमें कुछ नहीं चाहिए।